तेईस फीट बाय बत्तीस फीट में टू बी के घर जो कि ग्राउंड फ्लोर के लिए हमने बनवाया हुआ है वन बी के और फर्स्ट फ्लोर के लिए जो है वहाँ पे एक सिंगल बेड अरेंज किया है जो कि मास्टर बेड है तो चलिए देख लेते पूरा डिटेल में उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना रहेगा वो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और उसके साथ ही जो कॉलम पोजिशन वहाँ पर हमें क्या देने पड़ेंगे जो कॉलम होते हैं हमारे घर के लिए वो कहाँ पर देने पड़ते हैं कितने कॉलम हमें वहाँ पर देने पड़ेंगे वो भी हम देखेंगे तो चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो हमारे घर का जो ईस्ट फेसिंग यहाँ पे देखेगा जो भी डायरेक्शन है वो ईस्ट फेसिंग है यहाँ पे देख सकते हैं आप सामने हमारा पोर्च है तो इसका जो बिल्टअप एरिया है वो है नौ स्क्वायर फिट जो कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मिला के नौ स्क्वायर फिट है तो देखिएगा यहाँ पे हमारा पार्किंग है जो कि आठ फीट बाय दस फीट सिक्स इंच का ओके उसके साथ यहाँ पे हमारा पोर्च है जो है चार फीट बाय पाँच फीट का है यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे दिए है पोर्च के लिए देखिएगा जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हमारा है लिविंग हॉल जो कि 10 फीट बाय 14 फीट का है जिसके लिए हमने दो विंडो अरेंज किए हुए हैं देखिएगा यहाँ पे आप सेटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं इस दोनों साइड में और इस साइड में हमारा टी वी यूनिट आप बनवा सकते हैं उसके बाद जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम आगे आते हैं जैसे कि हमारा यहाँ पर है डब्ल्यू सी जो कि तीन फिट सिक्स इंच बाय तीन फिट सिक्स इंच का है और बाथरूम जो है वो है छः फिट सिक्स इंच बाय चार फिट का ओके वेंटिलेशन के लिए दो विंडो अरेंज किए हैं बाथरूम के लिए और डब्ल्यू के लिए ओके उसी के साथ जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हमारा किचन है जो कि दस फिट बाय ग्यारह फिट का है किचन काउंटर यहाँ पे बनवाया हुआ है विंडो दो दिए हैं ताकि हमें जो प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पर मिल सके उसके बाद जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमारा पहला वाला बेडरूम है जो कि दस फिट बाय ग्यारह फिट का है ओके okay, तो बेडरूम के लिए दो विंडो अरेंज किए हैं वो भी देख सकते हैं आप वेंटिलेशन आपको याद रखना है जो भी प्रॉपर वेंटिलेशन है वो हमारे घर के लिए होना बहुत ही ज़रूरी है तो चलते हैं जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हमारा स्टेरकेस है जो कि हॉल के लिए हमने अटैच टेरकेस यहाँ पर दिया हुआ है तो इस तरह से आप वहाँ पर जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए ओके तो ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान जो कि तेईस फिट बाय बत्तीस फिट है इस साइड में तेईस फिट और इस साइड में बत्तीस फिट तो चलिए हम यहाँ पे जाएंगे इस तरह से फर्स्ट फ्लोर के लिए तो यहाँ पे हम आएंगे फर्स्ट फ्लोर पे तो यहाँ पे हमारा टेरेस है यहाँ पे हमने एक डोर दिया हुआ है देखिएगा यहाँ पे डोर दिया है तो यहाँ से आप टेरेस पे आ सकते हैं यहाँ पे जो उस का ओपन स्पेस है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं उसी के साथ ही जो हमारा है मास्टर बेडरूम जैसे कि मैंने आपको बताया ग्राउंड फ्लोर के लिए हमने एक वन बी एच के बनवाया हुआ, हुआ है और फर्स्ट फ्लोर के लिए एक मास्टर बेडरूम दिया है जो कि ये मास्टर बेडरूम है जिसका साइज है दस फीट बाय ग्यारह फीट और उस मास्टर बेडरूम के लिए हमने अटैच टॉयलेट दिया हुआ है जो कि जिसका साइज़ है दस फीट बाय चार फीट का वेंटिलेशन भी दिया है प्रॉपर दोनों टॉयलेट के लिए और बेडरूम के लिए भी देखिएगा इस तरह से प्लान बनवाया हुआ, हुआ है जो कि 900 स्क्वायर फीट का है और अब हम देख लेते हैं कि वहाँ पे कॉलम हमें कितने देने पड़ रहे देखिएगा कॉलम नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन कॉलम यहाँ पे यानी ग्यारह कॉलम हमने यहाँ पे दिए हुए हैं और फर्स्ट फ्लोर के लिए जो कॉलम है वो सेमी कॉलम है जो कि नीचे से वहाँ पे आए हुए हैं एक दो तीन चार पाँच छः छः कॉलम यहाँ पे हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए लिए हैं और बाकी के जो कॉलम हैं वो हमने वहाँ पे क्या ज़्यादा उसे एक्सटेंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ओके तो आपको जो है इस घर के लिए जो खर्चा आने वाला है नौ सौ स्क्वायर फीट का हमारा घर है प्लान है तो इसके लिए आपको वहाँ पे जो खर्चा आएगा वो लगभग ग्यारह से बारह लाख रुपये तक खर्चा आएगा जो भी आपका वर्क है कम्प्लीट होने के लिए उसी के साथ ही जब आप ज़्यादा खर्चा करोगे टाइल अच्छा क्वालिटी यूज का यूज़ करोगे प्लम्बिंग का मटेरियल ज़्यादा हैवी करोगे इलेक्ट्रिशियन का होगा सभी जो मटेरियल है उसी पे डिपेंड रहता है हमारे घर में कितना खर्चा होगा मैंने एक अंदाज आपको बता दिया है उस हिसाब से आपने घर के लिए रेगुलरली जो खर्चा आता है वो मैं आपको बता दिया है तो चलिए दोस्तों इसी तरह के सिविल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि आपको प्लान बनवाना होगा थ्री एलिवेशन बनवाना होगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम